भाई साहब आपको कैसा लग रहा है ऋत्विक और आशा का गणेश उत्सव? एकदम मस्त। हमारे यहाँ भी चलिए ना, हमारे यहाँ आपको बहुत मजा आएगा। इतना बड़ा सेलिब्रेशन और पता है मोदक भी मिलेंगे खाने को। चलो 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 हमारे यहाँ बेबी भी है, तुम भी चलो ना बेबी। हाँ 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 मैं चलूंगी, पर मुझे एक सवाल पूछना है। हाँ? ये जो काला चश्मा है ना, उसके पीछे सीक्रेट क्या है? मैं बताता हूँ। हाँ, ये काला चश्मा पहन के हमें कोई नहीं दिख रहा है। हाँ? इसका मतलब कोई हमें भी नहीं देख पा रहा है। ऋत्विक भाई और आशा दीदी, मैंने दोनों को चोरों को पकड़ लिया। चलो चलो, यही दोनों चोर है जो तुम्हारे ना पंडाल से पूरी चीज चोरी करके लेके गए। देखो मैंने पकड़ा है, मैंने। क्या बात है बेटा, चिच्ची की तरह। थैंक यू। अच्छा, साइंस पढ़ पढ़कर और तू दत्त। क्यों मेरे बाबा? और हाँ हेलो, किधर माँ? मेरी दीदी। मैं थारी लुगाई नासू। मैं थारा फोन नंबर ले को ना जा। बड़ी बावरी। हाँ तुम क्या कर रहे हो, मतलब ये हमारे यहाँ पे चुरा चुरा के क्या मिल रहा है तुम्हें, है क्या? नहीं नहीं, हमने तो सोचा था कि इतना बड़ा समुद्र है, एक दो बाल्टी ले लेंगे तो आपका कौन सा नुकसान हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा। मतलब आप यहाँ से चुरा के अपना अपना पंडाल सजा रहे थे? गणेश उत्सव मना रहे थे हम तो, हम भी तो मनाना चाहते ना धूमधाम से, और क्या करते। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, सच्ची सच्ची, गणपति बप्पा जब सामने बैठे हैं तो उसमें तुम्हारा और हमारा क्या है ना? ये पंडाल भी तो तुम्हारा ही है, यहाँ से चुरा चुरा के फड़ 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 फड़, अब उसका तो किया नहीं जा सकता है ना। बट एक काम कर सकते हैं कि हम लोग मिलके गणपति का विसर्जन कर सकते हैं, कर सकते हैं है ना? हाँ, चलो, चलो, तुम्हारे पैसे भी बच जाएंगे, एक ही शर्त है, नाचना पड़ेगा पागलों जैसे। हाँ हाँ बिल्कुल नाचेंगे। तो मैं आप सब लोगों से भी कहूंगा थैंक यू सो मच कि आप लोग हमारे इस गणेश उत्सव में हमारे साथ रहे, हमारे साथ इतनी धूमधाम से इतने मजे किए। अगले बरस हम आपसे फिर से मिलेंगे और एक और बार मनाएंगे गणेश उत्सव। तब तक के लिए जोर से बोलो गणपति बप्पा। मोरया। पुरजा वर्षे। लोकरया। आप बजाओ।